छिंदवाड़ा जिला के चौरई जनपद में आज सचिव एवं जीआरएस और उप यंत्री की समीक्षा बैठक सीओ तरुण रागदली इनके द्वारा ली गई, जिसमें पेंटिंग कार्य, मनरेगा, आवास, सीएम हेल्पलाइन एवं पंचायतों में चल रहे विभिन्न कार्यों की पंचायतवार समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में अनुपस्थित ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों पर भी अनुसंधात्मक कार्यवाही कर अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे। आज जनपद पंचायत चौराई में सभी सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, डीसीओ, उपयंत्री, सहायक यंत्री, एडीईओ एवं सभी शाखा प्रभारियों की विभिन्न कार्यों को लेकर के, विभिन्न योजनाओं को लेकर के बैठक की गई। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो पिछली बैठक में निर्देश दिए गए हैं, जिनमें बहुत सारे कार्यों को, चाहे वो सांसद निधि के हों, विधायक निधि के हों, चाहे अन्य प्रकार के सभी निर्माण कार्य जो कई दिनों से अटके पड़े थे, जो किसी न किसी कारण से रुके हुए थे, उनको समय सीमा में करवाने हेतु स्ट्रिक्टली निर्देशित किया गया है और उनको समय सीमा निर्धारित करते हुए बताया गया है कि आप करें। साथ में ग्राम पंचायत से पलायन को रोकने के लिए मनरेगा में लेबर की संख्या बढ़ाई जाने हेतु भी उन्हें निर्देशित किया गया है और ऐसे कार्य कराने के लिए किया गया है जो बरसात के दिनों में मनरेगा अंतर्गत कराए जा सकते हैं। साथ में अन्य योजनाएं, जैसे हम पीएम जनमन आवास योजना की समीक्षा की गई, जिसमें सबको समय सीमा में आवास पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। सचिव जीआरएस उसकी लगातार निगरानी करें और आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं ताकि गरीबों को उनका आवास जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए ये आज बैठक रखी गई थी, शांतिपूर्ण बैठक रही है। सभी लोगों ने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के आश्वासन दिया है और अगली बैठक में हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।